हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीताज किचन। आज मैं आपके लिए इडली का बैटर की रेसिपी लाई हूँ। साउथ इंडियन स्टाइल में इडली का बैटर कैसे बनाया जाता है वो भी बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। इस तरह बैटर बना के आप इडली बनाएंगे तो आपकी इडली सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी और ये खाने में बहुत ही हल्की होती है। आप इसको सांभर में डालेंगे तो तुरंत ही सांभर सोख कर लेगी और एकदम जूसी बन के तैयार होगी। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके हम ये बैटर बनाएंगे। एक बार आपने इस तरह इडली बनाई तो आप हमेशा ऐसे ही बैटर बना के इडली तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल और चावल को सोख करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कप उड़द की दाल ले ली है। आपके पास जो भी उड़द दाल है उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। और दाल को हम एक बार अच्छे से धो लेंगे। अब हम चावल को धोएंगे तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा बोल ले लिया है, या कोई बर्तन ले लें। और घर में जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वही चावल मैंने लिया है। और आपके पास जो भी उसना या अरवा चावल है आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। चावल हमें 3 कप लेना है। आपके पास मोटे वाले सस्ते चावल हैं तो उससे इडली बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, या तो राशन कार्ड में जो चावल मिलता है सस्ता उससे भी इडली बहुत अच्छी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पास इडली राइस है तो इडली राइस का यूज़ करें, बासमती और पतले चावल का यूज़ ना करें, उससे इडली उतने ज़्यादा नहीं फूलेगी। चावल को मैंने 3 बार अच्छे से धो लिया है और दाल को मैंने 1 बार धोया है। उड़द दाल फर्मेंट करने में मदद करता है तो इसे बहुत ज़्यादा ना धोएं। दाल और चावल को हम सोक करेंगे तो इसमें सफिशियंट पानी डाल दें, डूब जाना चाहिए दाल और चावल। ढक कर हम 6-7 घंटे तक इसको सोक कर लेंगे। 6-7 घंटे के बाद हम देखेंगे दाल और चावल यहाँ पे अच्छे से सोक हो गया है। ये साइज में डबल भी हो गए हैं, फूल गए हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, चावल का जो पानी है उसे हम हटा देंगे और दाल का पानी से हम मिक्स करते हुए ग्राइंड करेंगे। एक ग्राइंडर जार ले लिया है मैंने यहाँ पे और इसमें हम चावल को डाल देंगे और दाल वाला जो पानी है उसको डाल के ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते समय हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बैटर को थोड़ा ठीक ही रखें, ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे सारा चावल डाल दिया है, एक ही बैच में मैं यहाँ पे ग्राइंड कर ले रही हूँ। यहाँ दरदरा सा मिक्सचर है, ये देखिए हल्का सा दरदरा होना चाहिए। चावल के मिक्सचर को हम बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसी जार में हम दाल को भी डाल देंगे। और दाल को हमें एकदम फाइन पीस लेना है, ये देखिए यहाँ पे ज़रूरत जितना पानी डाल के मैंने दाल को एकदम फाइन पीस लिया है। दाल के बैटर को भी हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है बॉईल किया हुआ राइस। जो भी आप घर में यूज़ करते हैं 2 कप यूज़ करना है। चावल को भी हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। चावल मैंने 2 कप अच्छे से भर के लिया है। आप थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कम ना करें। और यहाँ पे पानी डाल के मैंने चावल का भी फाइन पेस्ट बना लिया है, देखिए यहाँ पे सारा बैटर तैयार है। मैंने बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, ये देखिए। और अब हम बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े बर्तन में। आप डायरेक्ट ही पीस के बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तीनों बैटर को मैंने एक बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों की गर्मी जब बैटर में आती है तो बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है बैटर। एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करते जाएंगे, ऐसा हमें 2 से 3 मिनट तक करना है कम से कम। आपको बैटर बहुत ठीक लग रहा है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी यहीं पे ऐड कर सकते हैं। बैटर को मैंने 2 से 3 मिनट मिक्स कर लिया है। मेरे पास इससे बड़ा पतीला नहीं था, मुझे आपको मिक्स करके दिखाना था इसलिए मैंने इस पतीले में दिखाया है। अब हम इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर को पीस के आप डायरेक्ट ही बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। बैटर जब फूलेगा तो अपने क्वांटिटी से डबल हो जाएगा, इसीलिए बड़े बर्तन का यूज़ करें। कंसिस्टेंसी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए डोसे के बैटर से हल्का सा ठीक रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है बैटर को। फर्मेंटेशन के लिए हम बैटर को 10 से 12 घंटे गर्म जगह में रखेंगे। बैटर को मैंने ओवरनाइट किचन में रख दिया था और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खमीर उठा है। धीरे धीरे करके हम इसको मिक्स करेंगे। बैटर देख के ही आपको पता लग गया होगा कि इससे इडली कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इससे इडली कैसे बनानी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। चावल में भी नमक था इसलिए मैंने कम डाला है, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा और हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बैटर यहाँ पर रेडी है, ये देखिए। स्टीम करने के लिए गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया है। अब हम इडली के प्लेट में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस करेंगे। मैं अपने घर में ऐसे ही करती हूँ, आप ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीस की हुई प्लेट में हम बैटर डालेंगे तो बैटर को बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि इडली फूलेगी तो बैटर बाहर आ जाएगा। अब हम तैयार स्टीमर में सारे सांचे को ऐसे डाल देंगे
और स्टीम करेंगे हम इसको 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम में। यहाँ पे इडली तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूली है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ चाकू से, नाइफ क्लीन है। इडली को निकाल के दिखाती हूँ इसमें कितनी जाली बनी है, जिससे कि जब हम इसको सांभर में डालेंगे तो सांभर को अच्छे से सोख कर लेगी और एकदम जूसी आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप इस तरह इडली के बैटर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।